हेलो एवरीवन, दिस इज अंशुमन एंड वेलकम टू राइट बिटवीन। स्वागत है आपका हमारे सीगल एवी सीरीज के नए एपिसोड में। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ईगल आई व्यू एक ऐसी सीरीज है जहाँ पे मैं डेली बेसिस पे स्विंग ट्रेडिंग के कुछ अच्छे स्टॉक्स आप लोगों के लिए लेके आता हूँ, जो आने वाले समय में आपको अच्छा खासा रिटर्न दे सकते हैं। याद रखिएगा, ये कोई बाइंग रिकमेंडेशंस नहीं है। अगर आपको इन स्टॉक्स में बाई करना है तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करने के बाद या फिर खुद से एनालाइज करने के बाद ही बाई करें। तो आई होप आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि एक महीने के अंदर 30% का रिटर्न, यही वो स्टॉक है देखिए जेएसडब्ल्यू एनर्जी का, जो हम लोगों ने शेयर किया था 10th अगस्त के दिन अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं आपको यहाँ प्रूफ दिखाना चाहूंगा। देखिए, मैं ये वीडियो प्ले करता हूँ तो हमारे डेली टाइम फ्रेम पे इस एरिया को देखो, रिजेक्शन ले रहा था प्राइस। अगर इस एरिया के आसपास आता है ऐसे तो हम बाई कर सकते हैं। अगर इस तरीके से कुछ प्राइस एक्शन फॉर्मेशन होता है तो हम इस एरिया के आसपास बाई करेंगे और फिर ऐसे अपने टारगेट्स को ऊपर की तरफ एक्सपेक्ट करते हुए चलेंगे। ठीक है, इस तरीके का कुछ पैटर्न दिखा तो बाई करेंगे, या फिर ये जो इसका हाई है ना 340 का, 340 को जैसे ब्रेक करेगा तब हम बाई करेंगे। तो आई होप आपने सुना कि मैंने बोला था या तो इस एरिया को रिटेस्ट करने आएगा हम तो बाई करेंगे, या फिर 340 के ऊपर जाएगा तो बाई करेंगे। देखिए, प्राइस ने इस एरिया को रिटेस्ट नहीं किया, बट जैसे ही 340 को ब्रेक किया और उसके बाद देखिए प्राइस हमारे ये जो हमारे टारगेट्स हैं, ये दोनों टारगेट्स, हमारे दोनों टारगेट्स को प्राइस ने अचीव कर दिया है। आने वाले समय में मेरा जो व्यू है इस पर्टिकुलर स्टॉक में और भी बुलिश है, और आने वाले समय में मैं और भी जो अपर साइड के टारगेट्स हैं, ये रहा मेरा पहला टारगेट 500 रुपए का, और दूसरा टारगेट रहेगा मेरा नियर अबाउट 550 के आसपास का। ठीक है, तो ये अब मेरे आने वाले दो टारगेट्स होंगे जो मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक में एक्सपेक्ट करके चल रहा हूँ। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में जो हमारा पहला स्टॉक है वो है इंडोस्टार कैप फाइनेंस। इंडोस्टार कैप फाइनेंस को मैंने यहाँ पे क्यों चूज किया, अगर आप यहाँ पे इस पर्टिकुलर प्राइस को देखो, ये प्राइस क्या कर रहा है, पहले तो आप एक चीज को यहाँ पे देखने की कोशिश करो, ये जो प्राइस है ये प्राइस अच्छा खासा यहाँ से फॉल कर चुका है। इस प्राइस का जो ओवरऑल हाई था 600 रुपए का, वहां से इसने ऑलमोस्ट 82% का फॉल दिखाया था। ठीक है, 82% का फॉल करने के बाद ये जो इसका रिजेक्शन एरिया था, अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे मैंने एक लाइन मार्क करके रखा हुआ है 174 के आसपास का। ठीक है, ये देखिए 174 के आसपास प्राइस ने मल्टीपल टाइम यहाँ पे देखिए रिजेक्शन दिया है। अगर आप प्राइस को यहाँ पे सही से देखिए मल्टीपल टाइम हमारा यहाँ पे रिजेक्शन है। रिजेक्शन लेने के बाद प्राइस ने भी रिसेंटली उस एरिया को ब्रेक करके एक्जैक्टली वहीं से रिटेस्ट लेके यहाँ पे बुलिश फॉर्मेशन का एक कैंडल बना दिया है। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर स्टॉक को अगर मैं बोलूँ तो ये पर्टिकुलर स्टॉक का आने वाले जो मेरे टारगेट्स होंगे, मेरा पहला टारगेट होगा इस पर्टिकुलर स्टॉक में 205 रुपए, 210 रुपए के आसपास का, और जो दूसरा हमारा टारगेट होगा वो होगा हमारा 240 रुपीज के आसपास का। बट आने वाले समय में ना ये स्टॉक्स काफी ऊपर जा सकता है। इसका जो हमारा ओवरऑल टारगेट अगर मैं आपको बता दूं अभी इसी वीडियो में, तो हमारा पहला टारगेट होगा 300 रुपए का इन दोनों टारगेट्स के बाद, उसके बाद का हमारा टारगेट होगा 400 रुपए के आसपास का, और उसके बाद का जो हमारा फाइनल टारगेट होगा वो होगा हमारा 515 रुपए के आसपास का। यानी कि ये दो टारगेट्स अचीव करने के बाद ये जो हमारा एक गैप फॉर्म हुआ है, अगर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमारा कहीं ना कहीं एक गैप फॉर्म हुआ है। इस गैप को जैसे ही फिल करेगा ना प्राइस फिल करके जब ऊपर जाके रिटेस्ट करेगा ना, तो ये सारे टारगेट्स हमें आने वाले समय में अचीव होते हुए दिख जाएंगे। तो यही था आज का हमारा पहला स्टॉक, दैट इज इंडोस्टार कैप फाइनेंस। तो आज का जो हमारा दूसरा स्टॉक है वो है खादिम इंडिया लिमिटेड। खादिम इंडिया लिमिटेड को मैंने यहाँ पे क्यों सेलेक्ट किया, अगर मैं आपको यहाँ पे दिखा दूं, देखिए ये एक एरिया था खादिम इंडिया लिमिटेड का वीकली टाइम फ्रेम पे जहां से प्राइस कंटिन्यूअसली रिजेक्शन ले रहा था। ठीक है, इस एरिया को देखिए प्राइस ने मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे ब्रेक करा है बट कभी भी वहां पे सस्टेन नहीं कर पाया, हर बार फॉल कर गया। बट इस बार अगर आप देखें, मैंने नीचे से एक ट्रेंड लाइन मार्क किया हुआ है, ये यहाँ से जब लो लगाने के बाद प्राइस बाउंस कर रहा था, तब जब उसने दूसरा हायर लो लगाया था, हायर लो लगा के प्राइस ने जहां से बाउंस करा था मैंने उसी एरिया से मिलाते हुए ट्रेंड लाइन मार्क कर लिया है। देखिए प्राइस अच्छा खासा यहाँ पे एवरेज होने के बाद एग्जैक्टली उसी ट्रेंड लाइन से आके बाउंस करता हुआ हमें दिख गया था। ठीक है, तो अभी ये जो एरिया था हमारा, प्राइस ने इस एरिया को देखिए अच्छा खासा ब्रेक किया हुआ है और वहीं से रिटेस्ट लेके प्राइस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है। तो इस पर्टिकुलर स्टॉक में जो मेरे आने वाले दो टारगेट्स होंगे, मेरा पहला टारगेट होगा 336 का और जो दूसरा हमारा टारगेट होगा वो होगा 360 का। और अगर ये दोनों लेवल स्टॉक के ब्रेक हो जाते हैं ना, तो हमारा आने वाला टारगेट्स काफी बड़े होने वाले हैं। हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 480 के आसपास का, दूसरा टारगेट हो जाएगा हमारा 550 के आसपास का, ये 550 के आसपास का, और उसके बाद फिर प्राइस बहुत ही ऊपर बहुत तेजी से जाने को हमें दिख सकता है। तो ये सारे हमारे टारगेट्स हो जाएंगे। अभी हम ये टारगेट्स लेके चलेंगे, अदरवाइज अगर सही में देखें तो इसके हाई ऑलमोस्ट 900 रुपए तक के हैं और ये स्टॉक कहीं ना कहीं एक टर्न अराउंड स्टॉक भी हो सकता है हमारे लिए। ठीक है, तो यही थे आज के हमारे दो स्टॉक जो मैं आप लोगों के लिए इस वीडियो में लेके आया था।
अगर आपको मेरी एनालिसिस सिंपल एंड इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, क्योंकि मैं डेली बेसिस पे इसी तरीके के स्विंग ट्रेडिंग स्टॉक्स के दो वीडियोस आप लोगों के लिए लेके आते रहता हूं। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए डू टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड योर फैमिली। जय हिंद, वंदे मातरम।